मुझे फिक्र है कि वो लड़की अपने बाप की तरह कहीं खुदकुशी की कोशिश ना करे। तुम्हारे सामने उसका मंगेतर उसके हाथ से अंगूठी उतार कर लेकर गया था। अगर तुम भी अपनी जिद पे अड़े रहे तो कल को उस लड़की को कुछ होता है ना, तो मैं अपने आप को भी कसूरवार समझूंगा और तुमको भी। मेरी एक बात याद रखना, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो तुम जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। जो फैसले वक्त पर नहीं किए जाते वो सारी जिंदगी का पछतावा बन जाता है। उस लड़की पर रहम कर। उसकी भलाई इसी में है कि फराज इस शादी के लिए मान जाए। फराज नाम था ना उस लड़के का। दुआ करो तुम्हारे अब्बू मान जाए बस, और वो लोग भी मान जाए। समीन फोन छोड़ गई है। फराज ये फराज कॉल कर रहा है, क्यों फोन कर रहा है? अम्मी मुझे नहीं पता क्यों कॉल कर रहा है। हाँ फोन उठाओ, उसे पूछो कि क्यों फोन कर रहा है। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। फोन उठाओ और बात करो उससे, मैं यहीं बैठी हूँ। उठाओ फोन। हेलो हेलो, क्या आप भी वही चाहती है जो आपके वाले चाहते हैं? जवाब दीजिए, कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे। मैं बस वही चाहती हूँ जिससे मेरे माँ बाप की परेशानी दूर हो जाए। देखिए शादी पूरी जिंदगी का सवाल है, क्या आप अपनी जिंदगी को ऐसे समझौते की नजर कर सकती हैं? मैं अपने अब्बू के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ।